नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में कल भरे बाजार में दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के बाद राजनीति शुरू। नेताओं के द्वारा जाति रंग देने के बाद प्रशासन की परेशानी बढ़ी। आज बीजेपी के नेताओं ने बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का घेराव किया और जमकर हंगामा करते हुए पांचवें आरोपी की गिरफ्तारी व विरोध में हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पुलिस के लचर रवैये पर भी विरोध जताते हुए झालू चौकी इंचार्ज व हल्दौर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग की। बिजनौर से आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। कल थाना हल्दौर के झालू कस्बे में दिन दहाड़े एक लड़के का, जिसका नाम रचित जाट सना बबलू जाट निवासी गिरधर सिवहरा का रहने वाला था, कुछ लड़कों ने जिसमें से सारिख सहजान, आसिफ आब्दी, सादाब और शहबर, ये पांचों ने दौड़ा करके घेर करके गोली चलाया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसमें से चार अभियुक्तों की मय असलहे तमंचे की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अभियुक्त आसिफ आब्दी, इसकी गिरफ्तारी शेष है, पुलिस टीम लगी हुई है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इन अभियुक्तों के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट लग करके रासुका NSA की कार्रवाई कराई जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल होगा, इसको सजा दिलाने की पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। कल दुकानें बंद थी लेकिन आज लोगों को समझा बुझा करके दुकानें खुलवा दिया गया है। वहां का आम जीवन नॉर्मल है। पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। दो प्लाटून PSC, क्षेत्राधिकारी, मजिस्ट्रेट, दो थाना प्रभारी वहाँ पर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं QRT के साथ में। कोई विवाद और न बढ़े इसका प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। आज वहाँ पर मेरे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, स्थितियों पर दृष्टि रखी जा रही है। फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? कल अपराह्न में रचित हत्याकांड के बाद से पुलिस का मूवमेंट डिप्लॉयमेंट यहाँ लगातार जारी है। आज मेरे द्वारा मजिस्ट्रेट के साथ, SP सिटी, CO, यहाँ के प्रभारी, पुलिस PSC बल के साथ पूरे झालू कस्बे में पीरजादगान, मौलवियान, चौधरीयान, जोशियान, मार्केट वाले, भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूट मार्च किया गया। लोगों से वार्ता की गई, सब कुछ ठीक है। कल जो दुकानें बंद थी लोगों से वार्ता करके यहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों ने खुलवा दिया है। रोजमर्रा का जीवन चल रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अभियुक्त, नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इसमें किसकी किसकी संलिप्तता है उसकी भी छानबीन की जा रही है। पूरे घटना का पटाक्षर शुरू किया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।